Welcome to Bouffage by Sabina Kazi. आज हम लोग चिकन रशियन कबाब बनाएंगे. जितना ही डिफ़िकल्ट साउंड करता है उतना ही ईजी रेसिपी है. उसके लिए इंग्रीडियंट्स में हमको चाहिए, मैंने यहाँ पर 3 गाजर लिया है, यहाँ पर मैंने 3 शिमला मिर्ची लिया है, आई हैव टेकन 3 मीडियम साइज टमेटोज, यहाँ पर मैंने हाफ के जी के करीब कैबेज लिया है, ऑल आर फाइनली चॉप्ड. यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून चिली पेस्ट. आप चिलीज भी यूज़ कर सकते हो, चिली के बड़े टुकड़े, छोटे टुकड़े, बारीक कटे हुए पेस्ट, एनीथिंग विल डू, बट दिस वर्क्स गुड. एंड मसालों में यहाँ पर आई हैव 1.5 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, this is 1 teaspoon of white pepper powder, this is 1.5 teaspoon of chaat masala. यहाँ पर मैंने नमक लिया है, हम लोग उसको बाद में accordingly adjust करेंगे. यहाँ पर मैंने 1 cup मैदा लिया है और veggies के साथ मैंने यहाँ पर 3 medium sized boiled potatoes लिए हैं और यहाँ पर मैंने करीब 750 grams chicken लिया है, उसको boil करके shred कर लिया है. कोटिंग में हमको लास्ट में लगेगा अंडे. अंडे डिपेंड करते हैं कि आपके कितने कबाब बने हैं, उसके हिसाब से अंडे बढ़ेंगे या घटेंगे. यहाँ पर हमने सेवइयाँ ली है, सेवइयाँ आपको बहुत बारीक हाथों से उसको क्रश कर लेना है. एंड दिस इज़ 1 कप मैदा एंड 1 कप कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर, ये हमारा कोटिंग में सबसे लास्ट में यूज़ होगा. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर. यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डाले हैं बिकॉज हमको सब मसाला एक साथ भूनना है. जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम इसमें हमारा 1 कप मैदा डालेंगे, इसको कंटिन्यू स्टर करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैदे ने कलर चेंज कर दिया है, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, वाइट से थोड़ा सा क्रीमी हो गया है. अब हम इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे. ये यहाँ पर अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाला है मैंने. मिर्ची एकदम आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से है, आप कम ज़्यादा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट तक हम सॉट करेंगे. हमको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि हमको ये हमारा बाइंडिंग फैक्टर है. अगर इसमें आपने पानी ऐड कर दिया तो ये बिल्कुल भी पकड़ेगा नहीं और आपके सारे कबाब फट जाएंगे. अब इसके बाद ये 2-3 मिनट तक अच्छे से सॉटे हो गया है. अब हम लोग इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे. ये हमारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पानी बिल्कुल मत डालिएगा. अब हम इसमें टमाटर डालेंगे क्योंकि हमारा टमाटर पहले पानी छोड़ेगा. अच्छे से मिक्स कर लीजिए. टमाटर डालने के बाद टमाटर को हमको थोड़ा सा पानी छोड़ना है बिकॉज हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, तो हमारा ओनली फैक्टर ऑफ वाटर टमाटर है. अब हम इसको 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे. अब हमारे टमाटर नरम हो गए हैं, अब हम सारे वेजीज इसमें ऐड करेंगे. शिमला मिर्ची, कैरेट और कैबेज. हमको इसको बहुत नहीं पकाना है, हमको इसको फास्ट आंच पे 3 या 4 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि हमको इसको गलाना नहीं है, हमको इसका क्रंचीनेस वैसे ही रखना है, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा. इसको मैंने फास्ट आंच पे अच्छे से मिक्स कर दिया है. अब यहाँ पर मैं अपने चिकन ऐड करूँगी. ये डिपेंड करता है बिल्कुल आपके ऊपर कि आप भाजी कम यूज़ कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये वेज डेलिकेसी भी बन सकती है. अगर आपको इसको वेज कबाब बनाना है तो आप चिकन अवॉइड कर दीजिए, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा. चिकन अभी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, नाउ वी विल बी एडिंग द पोटैटोज़.
यहाँ पर आलू भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। इसमें एक ही है बस आपका टीडियस टास्क कि आपको इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। एंड एक बार अच्छे से मिक्स हो गया, योर वर्क इज़ रियली डन। यहाँ पर अब मैंने अपना गैस बंद कर दिया है, अब हम लोग इसको कूल डाउन करेंगे। हमारा मिक्सर अभी ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें पुदीना और कोथमीर डालूँगी और फिर से अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसको प्लीज़ स्किप ना करें। अगर आपको चम्मच से ना जमे तो आप बिल्कुल उसको अपने हाथों से मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से मिक्स होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है वो कबाब्स को बनाना। अब हमारे कबाब्स बनाने के लिए हम अपने हैंड्स को ग्रीस करेंगे। शेप्स आपके ऊपर है, आप कौन सा भी शेप्स का बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ओवल टाइप बनाएंगे, लाइक दिस। आप उसको कटर जो शेप्स के कटर्स आते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेके जस्ट फर्म इट अप बिट। फर्स्ट थिंग आप उसको मैदा और कॉर्नफ्लावर के इसमें पाउडर मिक्स करेंगे। आई हैव सीजनड द एग्स विथ सॉल्ट एंड पेपर, एज यू कैन सी द पेपर अप। फिर इसको एग में डालेंगे एंड देन द लास्ट स्टेप इज द सिवाइन। इसको बहुत ही अच्छे से कोट करिएगा, कहीं भी वो सेवई का कोटिंग बाकी ना रहे। एंड देन जस्ट फर्म इट अप विथ योर हैंड्स एंड दिस इज योर कबाब्स। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। बहुत लोग इसको डीप फ्राई भी करते हैं, आप लोग कर सकते हैं, पर शैलो फ्राई से एक कलर टेक्सचर आपके कंट्रोल में रहता है। अब इस अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम लोग ये कबाब डालेंगे। आप ये कबाब्स को 1 वीक तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। यू कैन मेक इट एंड स्टोर इट इन द फ्रीज़र फॉर 1 वीक। हमको इसको बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, आपको खाली ये सेवई को फ्राई करना है, बिकॉज अंदर का जितना भी मटेरियल है सब कुक्ड है। अभी हमको सिर्फ ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, दैट्स इट। अब हम इसको पलट देंगे, ठीक है। जैसे दिख रहा है कि ब्राउनिश हो गया है, गोल्डन ब्राउन, हमको एग्जैक्टली यही कलर चाहिए। को प्लीज़ अच्छे से फर्म करिएगा, अदरवाइज़ ये क्या होगा, फ्राइंग में वो अंदर से सब कुछ बाहर आके आपके पूरे ऑयल को ख़राब कर देगा। ये हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। हमारा चिकन रशियन कबाब रेडी हो गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बाहर से कितना क्रंची है। इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा दिस इज़ सो क्रिस्पी एंड उतना ही सॉफ्ट इनसाइड है। इसको बनाएं और इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।